निशा जी इधर आ जाइए, इधर आ जाइए, इधर निशा जी, चलो चलो उठ चलो उठ चलो आ जाओ ओके ओके आपका जो मैडम चलो क्यों यहाँ पे देखें आपके लेफ्ट में वो टाइम बाद अंदर थे अंदर थे क्या कुछ नहीं पूछो बड़ा बड़ा अरे इधर ही दे भाई बस 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 टॉप सन है जिनका पहला साथी हाँ बाकी आए निशा जी क्या कहना चाहेंगे टॉप फाइव के बारे में अभिषेक टॉप फाइव में खड़ा है आप बाहर थोड़ा यहाँ पे थोड़ा आगे आ जाओ थोड़ा आगे आ जी एक्सपेक्टेड नहीं था लगा था मुझे कि टॉप फाइव में होंगे बट ठीक है जो भी लोग हैं उनको ऑल द वेरी बेस्ट आप लोगों ने देखा बिग बॉस अंकिता की मेमोरीज जब दिखाई तो आपकी फ्रेंडशिप बहुत अच्छी दिख रही थी उनके साथ बिल्कुल बिल्कुल आई एम रूटिंग फॉर हर एंड आई विश वो ट्रॉफी लेकर आए घर पे सो ऑल द बेस्ट टू अंकिता जी कल का पार्टी कैसा रहा विक्की भाई के घर पर बहुत फोटो वायरल हो गए हां हम लोग डिनर पे गए थे विक्की भाई के घर इट वाज गुड बहुत सारे लोग आए थे ईशा जी थोड़ा राइट में आइए ना टॉप थ्री में किसको देख रहे हैं आप ईशा जी यार टॉप थ्री तो मुझे नहीं पता बट विनर डेफिनेटली अंकिता जी तो आप लोग भी प्लीज विश करिए गुड विशेस दीजिए वो बने विनर उधर आओ ना मेरे बगल में खाली है रे बस 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 मुनव्वर के फैंस बहुत है यार डेफिनेटली बहुत अच्छी फैन है मैं उनकी तो जीत सकता है यार कोई भी जीत सकता है पर मैं दिल से चाहती हूँ अंकिता जी जीते तो लेट्स सी क्या होता है लेकिन जिस तरह से आपके बारे में लोग कह रहे थे कि आपके कैरेक्टर के ऊपर सवाल जिस तरह से उठाया जा रहा था लेकिन मुनव्वर के फैंडम साइलेंस है इस पर कुछ नहीं है आप क्या कहना चाहेंगे मतलब यार मुझे नहीं पता देखो एक तो वो घर का माहौल ना बहुत अलग है और वो बाहर की दुनिया से बिल्कुल डिफरेंट है सो बिग बॉस की ज़िंदगी मुझे खुद बाहर आके ऐसा लग रहा है यार कि ये तो बहुत अलग ही कुछ दुनिया है तो वहाँ जो भी चीज़ें होती हैं उसको हम कंपेयर नहीं कर सकते बाहर की चीज़ों से तो जो भी चल रहा था ठीक है यार बिग बॉस की बातें हैं वो आप देखते हैं चलो आई एम जस्ट वेटिंग फॉर द फिनाले ओके फिनाले में क्या परफॉर्मेंस होने वाली है आपकी हाँ हाँ डेफिनेटली परफॉर्मेंस है मेरी और चिंटू की देखना आप लोग कौन से डांस में आप करने वाले कुछ बताओ मैं नहीं बताऊंगी आपसे मैं नहीं बताऊंगा बता दूंगी तो कैसे फिनाले में क्या देखूंगी ईशा जी इसके अलावा अभिषेक की जब मेमोरीज दिखाई गई थी तो आपके बारे में बहुत सारी चीजें नेगेटिव दिखाई गई उसके अंदर जो यार मैंने आपको लगता है वो फेयर था मतलब आपके बारे में क्योंकि वो अभिषेक की मेमोरी थी तो उसके बारे में बताना चाहिए था यार देखो सबकी ऐसी अपनी अपनी मेमोरीज है वो लोग टॉप फाइव में है उनको जर्नी का दिखाया गया तो आई एम श्योर उनकी जर्नी के जो बेस्ट पार्ट्स होंगे वो उनको दिखाए गए होंगे तो उनके लिए वो उनकी मेमोरीज है अगर मैं होती तो मेरे कुछ अलग मेमोरीज होती सो जो भी हो रहा है बढ़िया ही हो रहा है बिग बॉस काफ़ी बायस रहे आप होने चाहिए टॉप फाइव में अरुण सर के जगह क्या कहना चाहेंगे आप मेरे लिए यही बहुत है कि आप लोगों को लगता है कि मैं टॉप फाइव में थैंक यू ईशा जी बिग बॉस से तो बाहर आ गए बहुत सारी मीट एंड ग्रीट भी होगी लेकिन प्रोफेशनल फ्रंट पे क्या होने वाला है प्रोफेशनली मैं चाहती हूँ कुछ नया बहुत जल्दी आए अपॉर्चुनिटीज़ हैं बहुत सारी बट कुछ फाइनलाइज नहीं हुआ है अभी तक होगा तो सबसे पहले आप लोग को बताऊँगी नहीं भी बताऊँगी तो क्या पता तो लग ही जाएगा नहीं लग जाता है कहना चाहोगे आप काफ़ी मतलब एक स्टेप अहेड मतलब बिग बॉस फिनाले से हो गए कैसा फीलिंग रहा है क्योंकि इतना टाइम तक बिग बॉस
हाउस में टिके रहना इज नॉट इजी, तो काफी चीजें हुई है इमोशनल. बिल्कुल यार, उस घर पे सर्वाइव करना डेफिनेटली बिल्कुल भी इजी नहीं है, बट आई एम हैप्पी क्योंकि जितनी मेरी उम्र है और जो मेरा एक्सपीरियंस है उस हिसाब से मुझे नहीं लगा था कि मैं टॉप 7 तक भी पहुंचूंगी, बट मैं पहुंची आप लोग के प्यार और सपोर्ट की वजह से. सो थैंक यू. अभिषेक है फिनाले में, आर यू हैप्पी? अब यार ऑफ कोर्स आई एम हैप्पी एंड बाहर आके मतलब सब लोग अच्छे, कोई इंसान वहाँ बुरा नहीं है, बट सर्कमस्टांसेस और सिचुएशंस ऐसी हो जाती है कि आप वहाँ रह रहे के वैसे हो जाते हो. तो जो भी लोग फिनाले में है, मनारा, मुनव्वर, अरुण भाई, अभिषेक एंड अंकिता जी, आई एम विशिंग ऑल 5 ऑफ देम ऑल द वेरी बेस्ट. नहीं, ऐसा कोई भी नहीं है, सबको मिल लूँगी मैं. थोड़ा कम ज़्यादा का परसेंटेज हो सकता है, पर सबसे मिलना चाहूँगी. अभिषेक, काफ़ी इमोशनल ब्रेकडाउन हो गए थे जब आप निकले और आपने बोला भी चल जाने दे, जाने क्या कहना चाहोगे उसको लेके? यार कुछ नहीं, वो रो रहा था, मैंने उसको यही बोला कि तू बोल रहा था मतलब तू तो निकालना ही चाहता था मुझे, अब मैं जा रही हूँ उसको छोड़कर आ टनल तक, दैट वाज माय स्टेटमेंट. तो ठीक है यार, बढ़िया है, बट बहुत खुश हूँ मैं रिस्पॉन्स को देख के, क्योंकि पहले यू नो मैं ऐसे निकल जाती थी घर से बाहर और कोई इतना जानता नहीं था, देखता नहीं था, पर अभी मैं आ रही हूँ तो आप लोग ऐसे आ रहे हो मेरे लिए, इतना सारा प्यार मिल रहा है मुझे, थैंक यू. डारिया के बाद बिग बॉस में आपको बहुत प्यार मिला है, आप आगे की क्या प्लानिंग है, ईशा क्या फिल्म करने का इरादा है, सॉन्ग है क्या है आपके मुंह में घी शक्कर फिल्म मुझे अगर मिल जाए तो? देखो अभी मैं बेस्ट से बेस्ट जो हो सकेगा अपने लिए प्रोफेशनली मैं वो चूज़ करूँगी, अभी काफ़ी सारी चीज़ें हैं लाइंड अप, सो लेट्स सी, मिलेगी खबरें आपको भी बहुत जल्दी. मुनव्वर के साथ म्यूजिक वीडियो करने का प्लान है? मुनव्वर के म्यूजिक वीडियोस तो बहुत फेमस है और उसका डीएम भी, तो मैं देखूंगी यार डेफिनेटली, बाहर जो भी चीज़ें होती हैं प्रोफेशनली जितने भी जिससे टर्म्स बन पाते हैं बना के रखेंगे. मुनव्वर की एक सबसे बड़ी अच्छी बात देखी गई, चाहे कितने भी बड़े एलिगेशन लगे, उन्होंने एक 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 भाषा का जो है वो काफ़ी सेंसिबल रखा, चाहे वो कितने भी टूटे हो घर के अंदर, लेकिन एक मर्यादा रखा, क्या कहना चाहोगे? पर्सनालिटी ऑफ कोर्स, देखिए मुनव्वर की वो क्वालिटी है ही, वो अच्छे शब्दों के साथ ब्लेस्ड है, यू नो टैलेंट होता है ये भी कि वो जो है उनका एक वो जो शब्दों का जाल चलता है तो वो अभी भी चला ही आ रहा है, उसमें सब फंस जाते हैं एक्चुअली, क्योंकि मुनव्वर का जो वे ऑफ प्रेजेंटेशन है वो बहुत कमाल है और सब उसकी बहुत तारीफ भी करते हैं, तो हाँ बहुत बढ़िया है यार, उसका आर्ट फॉर्म बहुत अच्छा है स्टैंड अप कॉमेडी, सो ऑल द वेरी बेस्ट टू हिम ऑल्सो. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Chalo, jao main. Bye. Bye.